उत्तर प्रदेश के हरदोई में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां मकान पर कब्जेदारी को लेकर ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर आए हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ लूट की और गृह स्वामी को पीट पीट कर मार डाला। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सीधे संवाददाता प्रमोद कुमार का रुख करते हैं। प्रमोद, क्या मामला था और क्यों युवक की हत्या की गई, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, हरदोई से सटा हुआ हरपालपुर कुशवा है, जहाँ कोतवाली हरपालपुर से 200 मीटर की दूरी पर एक मकान कब्जेदारी का मामला था, जिसमें सर जबकि पुराना मामला था, उमा जीत जाने के बाद भी युवक का घर नहीं खाली, मकान खाली नहीं किया जा रहा था, जिससे वो सुबह लगभग में 6 बजे चाय विक्रेता युवक के घर आए, लेकिन उन्होंने निकालने के चक्कर में उसको बाहर खींचकर पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते उसकी जबकि मौत हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन नहीं जागा। कोतवाली हरपालपुर से सटे 200 मीटर की दूरी पर मारपीट सर होती रही, प्रशासन सोता नजर आया सर। प्रमोद, हमलावर कौन थे और कहां से आए थे? सर, उनके ही पड़ोसी हैं, इसे गाँव के कुछ लोग थे, कुछ उनके रिश्तेदार लोग थे, चांदी के थे। उसमें 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और एक युवक को गिरफ्तार किया है, बगैर नामजद चल रहे हैं सर। प्रमोद, जिस मकान पर कब्जेधारी को लेकर युवक की हत्या की गई है, ये मकान किसका है और क्यों इस पर कब्जेधारी की जा रही है? सर, इसका भूमि विवाद का भाई बंटवारा था, उन्होंने दूसरे के नाम कर दिया था, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे थे, उस मकान को जबरदस्ती कब्जे किए थे पूरा, तो उसका कोर्ट का आदेश भी मुकदमा जीते थे जिन लोगों ने मारा है इनको जी, तो ये मकान खाली करने के चक्कर में आए थे, लेकिन वो पीटते पीटते ढेर लोगों बॉल में की मौत हो गई, जबकि दूसरा बालक उसका गंभीर रूप से घायल है, उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी 22 महिला भी है, उसका भी कमर टूटी हुई, उसका जिला अस्पताल इलाज चल रहा है। प्रमोद, वारदात से गुस्साए लोगों ने रोड जाम किया और पुलिस को भी उनका विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? पुलिस ने सर, उसने पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, उसके बाद शाम को उस लोगों को छोड़ दिया है जी। प्रमोद, इस पूरे मामले पर पुलिस ने अभी तक के क्या कुछ कार्रवाई की है? अभी सर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, अभी जांच चल रही है, पोस्टमार्टम के बाद और लोगों की तलाश जारी है। सर, उसने वहाँ पर व्यापारियों का कूटा गुस्सा है, रोड जाम किया, उन्होंने कहा है कि कब तक ये व्यापारियों की हत्या हो रही होगी, सरकार तो सर तरह तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया प्रमोद, आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।